वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। आज का टॉपिक है हमारा यूज टू, फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज, इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आज हम सीखेंगे। गाइज मैंने कुछ एग्जाम्पल सीखे हुए हैं यहाँ पे। मेरी दादी मुझे परियों की कहानी सुनाया करती थी, बच्चे मैदान में फुटबॉल खेला करते थे, मैं उपन्यास पढ़ा करता था। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने लिखे हुए हैं यूज टू के। गाइज यूज टू वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पे आपकी कोई आदत की बात हो या पास्ट की कोई ऐसी आदत हो जो आप अब आपकी नहीं है, जो काम आप पास्ट में किया करते थे वो अब नहीं करते, या कर यहाँ पे या फिर किया करता था आ जाता है लास्ट में, या फिर करता था लास्ट में आ जाता है। कोई हैबिट की बात होती है कि किसी चीज़ के आप हैबिचुअल थे पास्ट में, तो वहाँ पे आपको यूज टू का यूज़ करना है। ओके, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है कुछ एग्जांपल्स, मेरी दादी मुझे परियों की कहानी सुनाया करती थी। अभी तो हम बात करते हैं गाइस जो है कि पास्ट टेंस का, तो यहाँ पे पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो सबसे पहले इसको बनाने के क्या रूल्स होते हैं हम देख लेते हैं। मेरी दादी मुझे परियों की कहानी सुनाया करती थी, ये जो है ये सारे जो सेंटेंसेस लिखे हुए एग्जांपल्स वो सारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। इसमें कहीं नहीं लगा है, क्या क्यों कहाँ कुछ नहीं, इंटरोगेटिव नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। तो मेरी दादी मुझे परियों की कहानी सुनाया करती थी, तो इस टाइप के जो सेंटेंस है यहाँ पे मेरी दादी की आदत थी, मेरी दादी की आदत थी जो पहले सुनाया करती थी लेकिन अब वो नहीं सुनाती हैं। ओके, तो यहाँ पे यूज टू का इस टाइप के सेंटेंसेस में हम यूज टू का यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट हम देखेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मेरी दादी। मेरी दादी के लिए आप माय ग्रैंड मदर, उसके बाद आपको क्या लगाना है, यूज टू। यूज टू एक मॉडल वर्ब की तरह भी काम करता है। ओके, ये फ्रेजल वर्ब भी है, ये मॉडल वर्ब की तरह भी इसका ये काम करता है। मेरी दादी मुझे परियों की कहानी सुनाया करती थी, माई ग्रैंड मदर, ये जो है मेरी दादी, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद यूज टू हमने करता था, मतलब आदत की बात है यहाँ पे, तो हमने यूज टू का यूज किया। उसके बाद आपको मेन वर्ब लगाना है, मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, सुनाना। ओके, टेल, माई ग्रैंड मदर यूज टू टेल मुझे सुनाया करती थी, मेरी दादी मुझे सुनाया करती थी हो गया, क्या सुनाया करती थी, परियों की कहानी, फेयरी टेल्स, ये हो गया, माय ग्रैंड मदर यूज टू टेल मी फेयरी टेल्स। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की, बच्चे मैदान में फुटबॉल खेला करते थे। ओके, बच्चे, ये यहाँ पे भी सब्जेक्ट लगेगा, आप लगेंगे चिल्ड्रेन, खेला करते थे, used to, सब्जेक्ट के बाद आपको used to का यूज करना है। याद रखिएगा गाइस, used to जो है, used to के साथ आपको मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ये याद रखिएगा। चिल्ड्रेन used to प्ले, क्या खेला करते थे, फुटबॉल, कहाँ खेला करते थे, मैदान में, इन द फील्ड। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांसलेशन की, मैं उपन्यास पढ़ा करता था। ओके, मैं उपन्यास पढ़ा करता था या मैं उपन्यास पढ़ता था, तो दोनों सेंटेंस जो है सेम है, दोनों का एक ही सेम जो है ट्रांसलेशन बनेगा। दोनों में आदत की बात हो रही है, मैं पहले पढ़ता था अब नहीं पढ़ता। ओके, ये आदत है, मैं के लिए आई यूज़ करेंगे आप, करता था, मैंने किया करता था, पढ़ा करता था हो या पढ़ा करता था या पढ़ता था। ओके, आई यूज़ टू रीड, क्या पढ़ा करता था, उपन्यास, नॉवेल। ओके, आई यूज टू रीड नॉवेल, ये बहुत ही ऐसा टॉपिक है गाइज, यूज टू, जो बहुत हम यूज़ करते हैं, फ्रिक्वेंटली ये यूज़ किया जाता है, डेली हम ऐसा कोई ना कोई सेंटेंस जरूर बोलते हैं जो यूज टू से रिलेटेड होता है, राइट। तो ये बहुत ही, इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो वन बाय वन करके हम सीखेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं गाइज नेगेटिव सेंटेंसेस की। अब मेरी दादी मुझे परियों की कहानी नहीं सुनाया करती थी, अगर हम इसका नेगेटिव सेंटेंस अगर बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, आपको क्या करना है कि इसके कई सारे जो है कि इसके कॉन्सेप्ट्स हैं नेगेटिव सेंटेंस के, आप इसका कई तरह से इसके नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, एक तो सबसे पहला तरीका, गाइस ये नेगेटिव सेंटेंस बनाने का ये है, अगर आपको यहाँ नेगेटिव मिल जाए, मेरी दादी मुझे परियों की कहानी नहीं सुनाया करती थी, आपको क्या करना है, माय ग्रैंड मदर नेगेटिव में आप क्या कर सकते हैं, आप यूज नॉट टू भी यूज कर सकते हैं, यूज नॉट टू टेल मी फेयरी टेल। अगर आप इसको मॉडर्न वर्ब की तरह यूज करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, माई ग्रैंड मदर यूज नॉट टू टेल मी फेयरी टेल, एक
तो ये बनाने का तरीका है, और अगर आप और इसके कई तरीके हैं वो भी देख लीजिए। आप दूसरी तरह से अगर बनाना चाहें तो आप इसमें हेल्पिंग वर्ब लगा के भी बना सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब लगा के अगर बनाना है तो आप इसमें क्या यूज़ करेंगे, आपको डिड लगाना होगा। डिड क्यों लगाया मैंने, डिड इसलिए लगाया क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है, इसलिए हमने यहाँ डिड का यूज़ किया। अब डिड लगाने के बाद आपको पता है, ये मैंने अपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वीडियो में बताया हुआ है, अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, आपने डिड लगा दिया है तो आपको क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म क्यों लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे डिड नहीं लगा है, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस पे गाइस हम डिड का यूज़ नहीं करते हैं, हम डिड की कमी पूरी करने के लिए वर्ब का जो है मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, अब डिड तो आ गया, अब आपको यूज नहीं लगाना है, आपको डिड नॉट यूज टू कर देना है। डिड नॉट यूज टू टेल मी फेयरी टेल, वेरी टेस्ट। अच्छा, एक और तरीका भी इसको बनाने का है, अगर आप इसको और भी दूसरी तरह से बनाना चाहते हैं तो और भी एक तरीका है। और क्या तरीका है गाइस, ये याद रखिएगा, अगर किसी भी सेंटेंस में किया करता था, सुनाया करता था, जाया करता था, खाया करता था, कोई भी ऐसे पास्ट की आदत की बात होती है, तो आप वहाँ पे यूज टू की जगह पे आप वुड का भी यूज़ कर सकते हैं। वुड का यूज़ भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, वुड यूज टू के कंपैरिजन में ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, तो इसका ऐसे भी बन सकता है, माई ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड मदर वुड नॉट टेल मी फेयरी टेल्स। ओके, ये तीन तरह से मैंने आपको बना के बताया है, इसके नेगेटिव सेंटेंस तीन तरह के आप बना सकते हैं। एक तो आप यूज नॉट टू टेल मी, आप उसको एज अ मॉडल वर्ब यूज करना है आपको, तो आप यूज के बाद नॉट लगा सकते हैं, क्योंकि किसी भी मॉडल वर्ब के बाद आप नॉट लगा सकते हैं, जैसे कैन के बाद नॉट, कुड के बाद नॉट, नेगेटिव सेंटेंसेस की मैं बात कर रही हूँ। जब आप शुड का बना रहे थे, मैंने शुड का बताया था आपको, तो शुड के बाद आप नॉट लगा रहे थे नेगेटिव में, वैसे ही आपको वुड के बाद नॉट लगाना है। ओके, यहाँ पे यूज टू के, यूज के बाद आपको नॉट लगाना है, यूज नॉट टू, ना कि यूज टू नॉट, यूज टू नॉट नहीं, यूज नॉट टू। ओके, माई ग्रैंड मदर वुड नॉट टेल मी फेयरी टेल्स, तीन तरह से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं गाइस। तो ये रहा नेगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स। अब हम बात करते हैं, क्या मेरी दादी मुझे परियों की कहानी सुनाया करती थी, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसको बनाने की क्या जरूरत है। मैंने अभी आपको अभी लास्ट एग्जाम्पल में बताया था कि अगर आप इसमें यूज टू को मॉडल वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं एज अ मॉडल वर्ब की तरह, और इसकी इसमें जो है अगर आपको यूज टू, अगर आपको क्या से स्टार्ट करना है तो आप इस तरह से देखा जाए तो यूज टू पहले आएगा, मगर मॉडल की तरह अगर आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यूज टू गाइस क्या वाले सेंटेंस में यूज टू हम पहले यूज़ नहीं करते, ये बिल्कुल ये अटपटा सा लगता है बोलने में, यूज माई ग्रैंड मदर टू, ये ऐसा कोई सेंटेंस नहीं बनता है गाइस। आप नेगेटिव बनाने के लिए यूज नॉट टू कर सकते हैं, लेकिन इंटरोगेटिव में क्या वाले में आपको यूज टू आपको एज एन ऑक्सिलरी नहीं रखना है। ओके, तो क्या करना है आपको, अभी मैंने ये भी आपको भी बताया हुआ था डिड वाले में, जब अभी आप जब भी मैंने अभी लास्ट एग्जाम्पल में बताया था नेगेटिव वाले में, कि आप डिड का भी यूज़ कर सकते हैं, आप नेगेटिव में आप वुड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप नेगेटिव में डिड और वुड का यूज़ कर सकते हैं तो आप उसमें भी जो है आप डिड का यूज़ कीजिए, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले आती है जब क्या से सेंटेंस स्टार्ट होता है। तो डिड माय ग्रैंडमदर यूज टू, हमें यूज टू रखना है ना कि यूज टू, क्योंकि डिड आ चुका है तो आपको फर्स्ट फॉर्म ही रखना है यूज का। डिड माय ग्रैंडमदर यूज टू टेल मी फेयरी टेल, फेयरी टेल्स। एक तो ये तरीका हो गया बनाने का क्या वाले सेंटेंस में। दूसरा तरीका क्या होता है, मैंने आपको वुड नॉट भी बताया था नेगेटिव वाले में, तो आपको क्या करना है, वुड भी आप लगा सकते हैं, वुड माय ग्रैंड मदर। हम बात करते हैं, अगर हमें बोलना हो कि मैं इस काम का आदि था, ओके, मैं इस काम का आदि था, मैं इस काम का आदि था, ठीक है, तो यहाँ पे भी था आ रहा है लेकिन किया करता था नहीं है। तो गाइस इस टाइप का जो सेंटेंस आदि था या आदत थी, तो वहां पे आपको वॉज और वर का यूज करना है। मुझे आदत थी या उसे आदत थी, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको वॉज का यूज करना है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपको वर का यूज करना है। यहाँ पे मैं जो है प्लूरल है, लेकिन मैं के साथ था भी है, था के लिए हम वॉज यूज करते हैं। ओके,
मैं जो है एज अ प्लूरल कंसिडर किया जाता है, लेकिन जहाँ पे पास्ट की बात होती है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ है कि जहाँ पास्ट की बात आती है वहाँ पे मैं के साथ था यूज होता है, था के लिए हम वॉज का यूज करते हैं, इसलिए हम आई के साथ वर्क नहीं, आई के साथ वॉज का यूज करना पड़ेगा। आई वॉज यूज टू दिस वर्क, ओके, आई वॉज यूज टू दिस वर्क, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं गाइज, नेक्स्ट एग्जाम्पल है वे फुटबॉल खेलने के आदि थे, ओके। दोनों सेंटेंस में आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ एक्शन वर्ब की बात नहीं हो रही है, मैं इस काम का आदि था, ओके। अगर मैं इस काम को करने का आदि था होता तो आई वॉज यूज टू, तो आपको आईएनजी फॉर्म वर्ब का आपको आईएनजी फॉर्म लगाना होता है। अगर आपको आदि टाइप का सेंटेंस अगर आपको मिलता है तो आपको अगर इज एमआर का यूज टू के साथ इज एमआर का अगर यूज हुआ है तो आपको वहां पे वर्ब का आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म को यूज करना है, राइट। वे फुटबॉल खेलने के आदि थे, वे के लिए दे यूज करेंगे, अभी मैंने बताया वे जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, दे के साथ वर लगाया, दे वर, उसके बाद यूज टू, दे वर यूज टू फुटबॉल खेलने के, तो खेलने के लिए प्ले लगता है, प्ले में आईएनजी जोड़ेंगे, इन फॉर्म जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे आदि, अभी मैंने बताया आपको कि फुटबॉल खेलने के आदि थे, ओके। जहाँ पे आदि की बात आती है, आदि थे वो या काम करने का आदि था, इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पे हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, दे वर यूज टू प्लेइंग फुटबॉल, ओके। इसका सेम जो है कि नेगेटिव भी ऐसे ही बनेगा, अभी जैसे लास्ट सारे एग्जांपल्स में मैंने डिस्कस किया था, आई वॉज यूज टू डू दिस वर्क है, तो आई वॉज नॉट यूज टू डू दिस वर्क, फिर इंटरोगेटिव बनाएंगे आप क्या वाला, तो बॉस पहले आ जाएगा, इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो वर्क पहले आ जाएगा, सेम वही कॉन्सेप्ट है गाइस, कुछ भी अलग नहीं है, बिल्कुल आपको बिल्कुल वैसे ही यूज़ करना है जैसे सारे आप स्ट्रक्चर्स बना रहे थे, बिल्कुल वैसे ही आपको बनाना है। अब हम बात, यही तो रहा पास्ट का आदि वाला, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट का, अगर प्रेजेंट की बात आ जाती है, मैं इस काम को करने का आदि हूँ, वे फुटबॉल खेलने के आदि हैं, ओके। अगर हम इसकी बात करें तो मैं इस काम का आदि हूं, तो आई वॉज ना लगाकर आपको करना होगा आई एम यूज टू दिस वर्क। वे फुटबॉल खेलने के आदि हैं, इसका क्या बनेगा, तो वे के लिए हम दे का ही यूज करेंगे। अब यहाँ पे आदि है की बात हो रही है, तो अभी मैंने बताया आपको कि जहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट होगा, प्रेजेंट की बात हो रही है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आपको आपको क्या करना है कि आर का यूज करना है, इस एम आर भी यूज करना है आपको, इस एम आर में से जो सूटेबल हेल्पिंग वर्ब होगी आपको वो यूज करना है, यहाँ पे इज यूज करना है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, और आर यूज करना है प्लूरल के लिए, और आई के साथ आपको एम का यूज करना है, बिल्कुल सिमिलरली वॉज वर्ब का जैसे कॉन्सेप्ट था वैसे आपको यहाँ पे भी इस एम आर के साथ वैसे यूज करना है, दे आर यूज टू प्लेइंग फुटबॉल। गाइस अगर मेन वर्ब नहीं दिखता है, कुछ ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जहाँ पे आपको मेन वर्ब नहीं दिखेगा, तो वहाँ पे आपको आईएनजी फॉर्म नहीं लगाना है, जैसे ये पहला वाला एग्जांपल है, आई एम यूज टू दिस वर्क, अगर इसमें होता मैं इस काम को करने का आदि हूँ, तो आई एम यूज टू डूइंग दिस वर्क हो जाता, डूइंग लग जाता, बस यहाँ पे डूइंग नहीं है, तो यहाँ पे आपको बस आई एम यूज टू दिस वर्क, वे फुटबॉल खेलने के आदि हैं, दे आर यूज टू प्लेइंग फुटबॉल, तो आपको इस एम आर और वॉज वर्ब में आपको आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म आपको यूज करना है, ओके। तो ये रहा गाइस यूज टू का जो है सारे यूज टू के सारे कॉन्सेप्ट, इज एम आर के, वॉज वर के, और जो मैंने आपको यूज टू के किया करता था वाले सारे एग्जांपल्स, आपको आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, यूज टू के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। गाइस अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। तो गाइस जल्दी हो जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।